हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज हम लेक्चर 7 डिलीवर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पहले 6 लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा है और नोट्स भी बनाए हैं ताकि आपको इस लेक्चर को समझने में कोई मुश्किल ना आए। तो लेट अस बिगिन। तो व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज ए। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगी अगर उसका ट्रांसपोज फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो नोट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगी वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या थी? जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होते हैं, जैसे 3 बाय 3 है। तो कोई भी मैंने 3 बाय 3 मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ली, तो अब मैंने उसका ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते थे? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो देखिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम में लिख दिया, थर्ड रो के एलिमेंट्स को थर्ड कॉलम में लिख दिया। तो आपने जैसे ही ट्रांसपोज लिया तो आपने ऑब्जर्व किया इन दोनों मैट्रिक्स में कोई भी फर्क नहीं आया। तो ये मैट्रिक्स तो फिर ए बन गई। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ए है। तो ए ट्रांसपोज अगर ए है तो हम कह सकते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही तो डेफिनेशन पढ़ी हमने। तो नोट, इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इज ऑलवेज इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई जे। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक चीज आपने और नोट रखनी है कि इसमें ए आई जे ऑलवेज इक्वल टू ए जे आई। मतलब जैसे A12 कौन है? 4 है। तो A12 किसके इक्वल होना चाहिए? A21 के। ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। जैसे A13 है तो वो किसके इक्वल होना चाहिए? A31 के। देखिए, है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे और ए जे आई बराबर होते हैं। फाइन। तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ ए ट्रांसपोज इज माइनस ए। अगर तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ माइनस आ जाए तो हम बोलेंगे ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या नोट रखना है आपने? कीप इन माइंड, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर एवरी आई कोमा जे। तो जैसा कि सिमेट्रिक में था ए आई जे इक्वल टू ए जे आई था, लेकिन इसमें क्या है? ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। मतलब A12 जो होगा वो माइनस ऑफ A21 के इक्वल होगा। A13 किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ A31 के इक्वल होगा। लेकिन अगर हम डायगनल एलिमेंट्स के बारे में बात करना चाहते हैं तो डायगनल एलिमेंट्स के लिए हमें पता है कि डायगनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, A11, A22। तो इसलिए हमने J को I के इक्वल रखा। मैंने दोनों तरफ J की जगह पे I पुट कर दिया। जैसे ही J को I पुट किया, देखिए ये ए आई आई बन गया, ये माइनस ए आई आई बन गया, ये माइनस वाली टर्म बच्चों उधर चल के प्लस बन गई। तो ए आई आई प्लस ए आई आई इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ए आई आई 0, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो हमारे पास बन गया ए आई आई 0। मतलब A110, A220। तो हमें पता लगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। फाइन। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स 3 बाय 3 की ले ली। स्क्वायर मैट्रिक्स आपने बच्चों ले ली 3 बाय 3 की। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स में हमने अभी प्रूव किया है, हमने अभी देखा कि डायगनल एलिमेंट 0 होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ भी 0 लिख दिया। फिर हमने अभी कहा कि A12 जो है वो माइनस A21 के होगा। मतलब A12 में अगर 2 है तो A21 में उसका नेगेटिव होगा, -2 आ गया। A13 में अगर आप -3 रखते हो तो A31 में इसका नेगेटिव रखोगे, -3 का नेगेटिव 3 होगा। तो अगर A23 पे 4 है तो A32 पे -4 होगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान है कि डायगनल एलिमेंट सारे 0 होते हैं और ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होता है। तो आप ट्रांसपोज से भी चेक कर सकते हो। हाँ, मैंने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लेते हो? इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। जैसे ही आपने ट्रांसपोज लिया तो देखा कि हर एलिमेंट जो है माइनस के साथ डिफर कर रहा है। 0 -2, ये -3 है तो ये 3 है, ये -2 है तो ये 2 है। तो इस कारण मैंने इस वाली मैट्रिक्स में से -1 कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। तो सारे एलिमेंट्स अंदर साइन चेंज कर गए, 0 2 -3, -2 0 4, 3 -4 0। तो देखो बच्चों, जैसे आपने -1 कॉमन लिया तो ये मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स ए वाली सेम बन गई। तो ये मैट्रिक्स जो दिख रही है ये वाली, ये ए के इक्वल है। तो
तो आप इसको ए लिख सकते हो। तो आपके पास क्या मिला, ए ट्रांसपोज इज माइनस ए। तो अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है तो आप बोल सकते हो ए इज क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज हमने दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो क्या पढ़ा हमने, फिर से याद करो कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज फिर ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। फिर हमने कहा कि उसमें क्या याद रखना है कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई के इक्वल होता है। फिर साथ में हमने पढ़ी स्क्यू सिमेट्रिक, तो उसमें क्या हमने पढ़ा कि जितनी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं उसमें सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं और उस केस में स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझो। तो आगे एक क्वेश्चन है, फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड पार्ट प्रूव दैट ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है 2x2 की, हमने प्रूव करना है कि ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक। तो अभी हम पढ़ के आए कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि प्रूव करो ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स आएगी ना वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें ए प्लस ए डैश निकालना पड़ेगा। तो ए तो हमें बच्चों गिवन है, तो हमने ए का ट्रांसपोज लिया। तो हाउ टू टेक द ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। देखिए एक ट्रांसपोज आ गया, फिर हमने ए प्लस ए डैश निकालना है, दोनों मैट्रिक्स को प्लस किया, प्लस करना भी हमने सीखा हुआ है, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को प्लस करते हैं, 1+1 2, 5+6 11, 6+5 11, 7+7 14। फिर बच्चों हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज का ये जो मैट्रिक्स आई है इसको प्रूव करना है आपने। देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो जो भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। मेरे को ए प्लस ए डैश को प्रूव करना है सिमेट्रिक, तो मेरे को ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज लेना पड़ा। देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में ले लिया, तो यहाँ भी ट्रांसपोज लिया, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, देखो ट्रांसपोज ले लिया। फिर मैंने देखा जैसे ही मैंने ट्रांसपोज लिया ये दोनों मैट्रिक्स तो सेम रही, तो इस मैट्रिक्स को हम वापस ए प्लस ए डैश लिख सकते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया कि ए प्लस ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो ए प्लस ए डैश के इक्वल है, मतलब कि इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फिर यही वाली मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश इज क्यू सिमेट्रिक। तो वो क्या पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स आ जाए। तो इसका मतलब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को सिमेट्रिक प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब पहले हम ए माइनस ए डैश निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। तो बच्चों हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज लिया, तो कैसे लेते हैं ए माइनस ए डैश, देखिए हमने ए और ए डैश को माइनस कर दिया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स माइनस कर दो, 1-1 0, 5-6 -1, 6-5 1, 7-7 0। देखिए ये ट्रांसपोज आ गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो जिसको भी स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है उसका ट्रांसपोज देना पड़ता है। मैंने इस मैट्रिक्स को प्रूव करना है तो मैंने इस मैट्रिक्स का ही ट्रांसपोज लिया, देखो इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, दोनों सेम तो नहीं है लेकिन माइनस का फर्क है, तो इसलिए वो माइनस का फर्क खत्म करने के लिए इस मैट्रिक्स में माइनस वन कॉमन ले लिया। तो जैसे ही बच्चों माइनस वन कॉमन लिया तो देखिए साइन चेंज हो गया, अंदर जीरो का जीरो ही रहेगा, वन का माइनस वन बन गया, माइनस वन का वन बन गया और जीरो का जीरो रहा। तो देखो ये जो मैट्रिक्स अब नहीं ये वाली आई है, अब ये दोनों सेम है, देखो बिल्कुल सेम नजर आ रही है। तो ये मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए माइनस ए डैश, हमने इसको लिख दिया ए माइनस ए डैश। तो चेक किया इसका ट्रांसपोज किसका, ए माइनस ए डैश का, वो किसके इक्वल आया, ए माइनस ए डैश के नेगेटिव के इक्वल। तो जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आए तो वो वाली मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो हमने देखा ए माइनस ए डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हेंस प्रूव। ओके।